हाय फ्रेंड्स, मैं रीना सिलाई ट्यूटोरियल्स में मैं आज आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की सिलाई कैसे करते हैं बताने वाली हूँ। यदि अभी तक आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा पहली वीडियो का है जो हमने फ्रॉक की कटिंग की थी। मैं आपको एक एक पार्ट रख के दिखा देती हूँ। और देखिए, हमने दोनों आस्तीन को भी रख दिया यहाँ पे। अब हमने जो यहाँ पे झालर की कटिंग की थी उसको मैं यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, और हमारी पूरी सिलाई कवर हो जाएगी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो। चलिए अब मैं आपको मशीन पे सिलाई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ पे दो प्लेटें डाली हैं, यहाँ पे एक प्लेटें और डालनी है। देखिए, हमने दोनों प्लेटों डाल ली है। हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी दो प्लेट डाल लेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे अम्ब्रेला फ्रॉक की जो घेर है नीचे का, उसे मैं कमर पे जॉइंट करना है। मैं दिखाती हूँ, इस कोने से लेकर के इस कॉर्नर तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए, हमने सिलाई कर ली है कमर पे। हमें सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगानी है। देखिए, हमने दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगा ली है। अब हमें शोल्डर पे यहाँ पे अच्छे से अटैच करनी है, यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। हमने दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा ली है। अब हमें मुड्डे को जोड़ना है जो हमने आस्तीन की सिलाई की थी। ये हमारी आस्तीन है, ये देखिए आस्तीन। अब आस्तीन के किनारे पे हमें सिलाई लगानी है फोल्ड करके इस तरीके से। यहाँ पे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। हमने दोनों आस्तीनों पे किनारे पे सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको जोड़ना कैसे है। यहाँ पे हम रखेंगे कॉर्नर को, कॉर्नर से मिला करके और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पूरे मुड्डे पर। हमें कपड़े को खींच के नहीं लगाना है, आराम से कपड़े को लगाने हैं ताकि झोल आएगा अगर हम खींचेंगे तो। देखिए, इस तरीके से हमने दोनों आस्तीनों को जोड़ लिया है, मुड्डे पर सिलाई लगा ली। यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाए थे तो यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पूरे घेर तक जाएगा, नीचे तक। ये हमारा हो गया कंप्लीट। हमने लगा ली इसमें सिलाई दोनों साइड और हमने इसे जॉइंट भी कर लिया। देखिए इस तरीके से ये हमारा घेर है जो हमारा नॉर्मली घेर बनाया है हमने। यहाँ पे मैं आपको झालर को अटैच करना सिखाऊंगी। ये हमारी झालर है, झालर की जो ऊपर की कॉर्नर है मुड्डे की साइड की, यहाँ पे हम दोनों कोने में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने दोनों मुड्डों को सिलाई लगा ली है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए, अब मैं आपको इसे फ्रॉक में जॉइंट कैसे करना है ये बताती हूँ। हमें फ्रॉक को सीधा रखना है और ये जो झालर बना रखे हैं हमने इसे उल्टा रखना है, और जहाँ पे हमने सिलाई की थी मुड्डे से तीरे पे शोल्डर के पास यहाँ अटैच करेंगे और सेम सिलाई लगाएंगे।
पूरे गले में अटैच करेंगे इसे सिलाई लगा करके। पूरी गोल शेप में हमें सिलाई करनी है। फिर यहाँ पे हमें नोचिस लगानी है थोड़ी थोड़ी, एक एक इंच पे, ताकि हम जो फोल्ड करेंगे इसे तो इसमें झोल ना आए। देखिए हमने लगा ली है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी ऊपर की साइड ताकि कपड़ा खींचे ना। मैं दिखा देती हूँ आपको सिलाई लगा के। पूरे गले पे सिलाई हमें ऐसी लगानी है। अच्छे से फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारे कपड़े में खिंचापन ना हो। देखिए हमने पूरी फिनिशिंग के साथ लगा ली। आपको भी ऐसी जॉइंट करने हैं। ये जो झालर है तो मैं आपको झालर में नीचे की साइड दिखाऊंगी। दोनों तरफ से हमने अटैच कर लिया है। अभी झालर में हमें पतली से फोल्ड करने हैं डबल, और यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ऐसी सेम सिलाई कर सकते हैं। इसमें पूरी झालर में सिलाई लगानी है किनारे पे। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए इतनी फिनिशिंग के साथ भी आपको सिलाई लगानी है। हमने झालर पे सिलाई लगा ली है, ये देखिए अच्छे से हमारी झालर पे सिलाई कवर हो चुकी है। मैं आपको घेर दिखाती हूँ। अब ये घेर बचा है नीचे की साइड, तो यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है जैसे हमने झालर पे लगाए थे। इस पे भी हमें पूरे गोल शेप में सिलाई लगाती चली जानी है। हमें अच्छे से सिलाई लगानी है। देखिए हमने पूरा कवर कर लिया इसे सिल के। मैं दिखा देती हूँ आपको, पूरे घेर में हमने सिलाई लगा ली फोल्ड करके। तो ये देखिए हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक रेडी हो गया है। अच्छे से सिलने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा।